हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड गैलिकम के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एसिड गैलिकम या गैलिक एसिड, जिसका कॉमन नेम है माजू फल, यह रक्तस्राव रोकने के लिए प्रसिद्ध है। ब्राइट्स डिजीज के कारण रक्तस्राव, वृक्क यानी किडनी से रक्तस्राव, प्रोस्टेट ग्लैंड यानी मूत्राशय, मुखशाही ग्रंथि मूत्राशय के मुख पर नीचे की ओर रहती है, उसके प्रदाह यानी सूजन की वजह से रक्तस्राव इत्यादि रोगों में, और मूत्र ग्रंथि के प्रदाह यानी नेफ्राइटिस की वजह से पेशाब में जलन व ऑक्जेलेट्स रहने पर इससे अक्सर बहुत ज़्यादा फायदा होता है। साधारणतः इसका 1x ट्रैचुरेशन ही अधिक लाभदायक होता है। थायसिस, यक्ष्मा रोग में यह दवा नियमित रूप से सेवन करने से दूषित स्राव निकलना बंद हो जाता है और पाक स्थली की क्रिया भी क्रमशः बढ़ जाती है। फेफड़ों में दर्द, फेफड़े से निकलकर मुंह से रक्तस्राव और बहुत ज़्यादा बलगम निकलना, सवेरे कंठ में बहुत ज़्यादा मात्रा में श्लेष्मा यानी म्यूकस इकट्ठा होना, किंतु रात में कंठ सूख जाना, कुछ नहीं रहना, यानी थायसिस की बीमारी के साथ ये लक्षण रहें तो गैलिक एसिड से और भी ज़्यादा लाभ होगा। थायसिस यानी ट्यूबरकुलोसिस। कब्जियत, कितनों का ही यह कहना है कि होम्योपैथिक में कब्जियत की बढ़िया दवा नहीं है। जिनकी ऐसी धारणा हो वे नीचे लिखी दवाओं को परीक्षा करें। एसिड गैलिक 1x विजोड़ 10 ग्रेन की मात्रा में नित्य 4-5 बार कुछ दिनों तक सेवन करना चाहिए। इलाटीरियम 2x पोटेंसी 2-3 बूंद की मात्रा में नित्य सवेरे एक बार सेवन करने पर कोठा साफ हो जाता है। इलेटेरिन 1/20 ऑफ ग्रेन पैलिएटिव, अर्थात इलेटेरिन 1 ग्रेन विचूर्ण मूल औषधि को 20 भाग कर उसका एक भाग सेवन करने से सामयिक जुलाब की तरह क्रिया होती है और यह पैलिएटिव काम करता है। जैसे जुलाब देने पर पेट साफ हो जाता है और जुलाब बंद करने पे फिर वापस एजिटेट हो जाता है, तो ये जुलाब की तरह काम करती है। कैल्केरिया सिलिका या सिलिका मैरिना 3x पोटेंसी में 5 ग्रेन की मात्रा में नित्य 3 बार कुछ दिनों तक सेवन करना चाहिए। डॉक्टर सुसलर के मत से काली म्यूर 6x शक्ति 10 ग्रेन की मात्रा में गर्म पानी के साथ सेवन करने से कोठा साफ हो जाता है। ओपियम 30 रोज सवेरे एक मात्रा के हिसाब से 5 से 7 दिन तक सेवन करने से कब्जियत में फायदा दिखाई देता है। यदि एक मात्रा में फायदा न हो तो नित्य 4 से 5 मात्रा और जितने दिनों तक पेट में दर्द न आरंभ हो जाए तब तक सेवन करना चाहिए। पेट में दर्द होते ही समझना होगा कि दवा की क्रिया हुई है। जैसे प्रूविंग होती है उस तरीके से जब एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर ये दवा दी जाती है तो उसकी प्रूविंग होनी शुरू हो जाती है और पेट में दर्द जैसे सिम्टम आने लगते हैं। क्रोटन ऑयल, आधी या एक बूंद शुगर में या गर्म जल के साथ एक मात्रा पीने से 4-5 बार पाखाना होगा। इस पाखाने से भयंकर भय का कोई कारण नहीं है। क्रोटन विषाक्त पदार्थ है, कभी भी 2 बूंद न दें। इसको कंपेयर कर सकते हैं आर्स आयोड, कैल्केरिया कार्ब, फास्फोरस और सल्फर के साथ में। इसका जो क्रम यूज किया जाता है वह 1x से लेकर के 6x विचूर्ण तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज एसिड गैलिकम या गैलिक एसिड के बारे में,
और ये बहुत ही उपयोगी दवा है दोस्तों। जैसा कि आपने भी सुना कि इसको कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में यूज़ करना, इसके अलावा थायसिस यानी ऐसी बीमारी में जबकि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, जैसा कि टीबी में होता है, उसके साथ मुंह में बहुत ज़्यादा म्यूकस इकट्ठा हो, इसके अलावा और कई सारे रक्त रोकने के लिए बहुत अच्छी दवा है ये। तो इन सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसके आगे किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते दोस्तों।